वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। मामला मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन का है, जहां 31 वर्षीय शिक्षिका को शादी का झांसा देकर अपने आप को तलाक शुदा बताकर उससे शादी करने और शिक्षिका से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने के अलावा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके सोने जेवरात और पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने आदित्य मेहता नाम के व्यक्ति को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा है कि ये FIR रजिस्टर हुई थी करीबन अगस्त 2020 में। उसके बाद इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इन्होंने काफ़ी पुलिस को फॉलोअप भी किया, पर फाइनली जब ये इनको लगा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो इन्होंने मुझे संपर्क किया, तो मैंने इनको सलाह दी कि काम करो, आप DCP साहब को एक RTI फाइल करिए। तो मेरे कहने से इन्होंने तुरंत DCP साहब को RTI फाइल किया और DCP साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और परसों समता नगर पुलिस स्टेशन ने जो आरोपी मिस्टर मोहता है उसको अरेस्ट कर लिया है। ये आदित्य सतीश मोहता नाम के पुरुष है, 42 उम्र है उनकी। उनकी एक महिला के साथ में गोल्ड जिम कांदिवली में पहचान हो गई और उसके बाद में ये लॉकडाउन के पहले की बात है, तो उनकी पहचान हो गई, आपस में बात हो गई, फिर बाद में उन्होंने आपस में शेयर किया। वो पुरुष का जो है डिवोर्स हो चुका था और ये महिला जो थी वो मैरिज ब्यूरो ने उसने रजिस्टर करवाया था और वो अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही थी। वो मुझे नागपुर लेके गए, उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया, उन्होंने मारपीट शुरू की, बहुत टॉर्चर करना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया, पैसे चोरी कर लिए, गोल्ड ले लिए और उसके बाद में मुझे एक मेल आया, उससे मुझे पता चला कि उनकी बहुत सारी शादियां हो चुकी है। इस वजह से फिर मैंने कंप्लेंट ये दर्ज किया है पुलिस स्टेशन में।